अपने काम की तरफ जो है ना हम आ चुके हैं और अभी जो है ना बिछा रही हूँ मैं चार पे रेलियाँ जो कि हम सराकी में बोलते हैं गिंदियाँ। तो अभी वो एक जो है ना मैंने बिछा दी है और दूसरी जो है ना बिछाने की जो है ना तैयारी है हमारी। और आज जो है ना हम कुछ न्यू बनाने वाले हैं शहर, तो हमारे घर में जो है ना वो कभी भी ना बना हो। आज फर्स्ट टाइम वो जो है ना अहमद ने मुझे सरप्राइज दिया जो कि इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। क्या ही बात है जी, दिल खुश हो जाता है जब ये ऐसे उलट तरीके से काम करती है। ये जो मेरी ये जो है ना गिंदी, ये पूरी सेंटर में आनी चाहिए, इधर भी पिलर के सेंटर में, उधर भी सेंटर में। इसको खींचो इस तरफ, हाँ अब उधर से लचक गई। क्या ही बात है दिल करता है तुझे इनाम दूँ। माशाल्लाह जी, क्या ही बात है। तो ये देखिए जी, चार पाइयों पे जो है ना वो तकिए भी आ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पे जी तकिया जो है ना वो आ चुका है। ओए कपड़े तेरे पैर मिट्टी है, जूती पहनी हुई है आपने? नहीं। तो चलो नीचे उतरो। क्या हो रहा है? नहीं आपसे हो रहा तो मुझे बताओ ना। बराबर करो ऐसे, उधर से पकड़ो। क्या हुआ? आगे से हट जा, नहीं होता तेरे से, हट जा आगे से। एक काम बताता हूँ वो भी नहीं होता इससे। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, चले सबा उधर से दूसरा लगा दो ऊपर चढ़ के। सबा ऊपर चढ़ के लग, अब उधर तो ऊपर चढ़ जाओगी ना, टेंशन क्यों लेती है, इधर से चढ़ जा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अरसे से इसका इंतज़ार था, हम रोज़ लेने जाते थे पर नहीं मिलती थी, आज हमें वो चीज़ मिल गई जो आज हम पकाने वाले हैं। ये देखें जी, आज जो है ना हम चिकन कलेजी, ये टोटल सारी कलेजी है। आग भी हमारी जल चुकी है, मिसाले हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह कट चुके हैं, ये देख सकते हैं। उसके बाद ना ये पकना हम स्टार्ट करेंगे, और ये हमेशा भूल के पकाई जाती है, शोरबे वाले नहीं पकाई जाती। ख्याल पात्री टूट ना जाए, सब बड़ी नाजुक होती है ये। ओके हो गया, माशाल्लाह बहुत खूब।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो है ना कलेजी जो है वो धोई जा रही है। एक पात्री में उसने कलेजी सारी डाल दी और दूसरी पात्री में जो है ना वो साफ कर करके ना रख रही है। कितनी सियाणी हो गई है मेरी मोटो। हाँ जी यार, मैंने अभी नहाया है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। कौन पागल है जो यार रात को नहाता है? कौन पागल है? कोई भी नहीं है। आपने तो कहा था शाम को नहाने से। मैं जो है ना मैं नहाता हूँ, लेकिन मैं सुबह 10-11 बजे या कोशिश करता हूँ कि 6-7 बजे नहा लूँ। नमाज पढ़ने के बाद भी बंदा नहा लेना, उस टाइम पानी भी बहुत गर्म होता है और नहाने का मज़ा भी आता है। लेकिन शाम के टाइम जो है ना वो बिल्कुल नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के मौसम है। गर्मी का तो दिन रात बंदा नहा ही रहा होता है, पसीने में भी नहा रहा होता है, वैसे भी नहा रहा होता है, ऐसे ना जी। हाँ चलो, आज तो नहा लिया, आइंदा सुबह आपने नहीं नहाना। हाँ मतलब इस टाइम शाम को नहीं नहाना। ओके कितनी देर लगा दी आज सबा, और इतनी देर ऐसे नहीं बैठना चाहिए, नीचे चौकी रख लेती है आप सबा, ऐसे टांगों में दर्द हो जाता है। हो रहा है यार, वो फिर आपकी टांगों में नहीं, समझो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है सबा। ऐसे लगता है जैसे, यकीन कर बस, मेरी टांगें अकड़ती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसका मतलब यही है कि मेरी सबा जो है ना वो मुश्किल में है। दिल तो कर रहा है मैं उधर से चौकी उठा के दे दूँ, लेकिन उधर ना वो सफर है बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ खुद ही जाए लेके आ जाए। जी मोहब्बत, ये हाँ देखते जाए, देखते जाए। हाँ जी, अभी तो जान से देने पे तुले हुए थे। है जी, बिल्कुल शुक्र है नहीं दी, वरना आप तो खुश हो जाती। सारा वीट डाला और छिछड़े कहाँ किए हैं? वो उधर रख दिए छत पे, मैंने कोई परिंदे खा। हाँ जी ये देखें, ये छिछड़े यहाँ पे रख दिए, हमने कहा कोई परिंदे वगैरह जो है ना वो उनकी खुराक बन जाएगी। हाँ जी, अब ये पानी क्या करने है आपने? उनको अभी धोना है। फिर दोबारा? ही बात है जी, जबरदस्त। आप तो अच्छे तरीके से काम करती हो, ये मुझे आज पता चला सबा 6 साल में। क्योंकि आप जब कर रही होती थी ना, मैं कौन सा साथ होता था? आज साथ होना ऐसी जी जी है? हाँ जी, यकीन आ गया जा? जी यकीन आ गया सबा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह से कलेजी सबा ने धो ली है आखिरकार, इतनी टाइम लगाने के बाद। और इधर जो है ना हमारी आग भी जो है वो बुझ गई है, लेकिन भड़क चुकी है हमारी आग। मतलब जब ताल में आग जल जाए ना, उसके वो बन जाए ना कोयले, फिर आग जलाने का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता, बस फूका मारना होता है बस। और उधर जो है ना माशाल्लाह से मुखलिस भाई आ चुके हैं, हसन जानी को घुमाने फिराने लेके गए थे। अभी तक वो है तो गुस्से में, क्योंकि दीप से उठा हुआ है ना, नींद लगा हुआ है, लिफ्ट किसी ने नहीं करवाई, तो मैंने कहा कि आ जाओ यार, सैर सूर करवाता हूँ आपको। हाँ, उधर अपने घर फिर असलम भाई के घर से, अकरम भाई के घर से इधर आ गया दोबारा। सही हो गया। हाँ जी, चलेंगे ना, अच्छी बात है। किधर है वो? कौन? बाबू साहब वो उधर दुकान पे चले गए, आने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, पुराने रस्म और रिवाज में कलेजी बन रही है। माशाल्लाह लकड़ियां भी सूखी हुई हैं।
हाँ, लकड़ियाँ तो बिल्कुल सूखी सूखी हमने कटवाई है ना, जो हमारी बाहर पड़ी हुई थी। आग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जल चुकी है जी। बट क्या मतलब ये टूट तो नहीं जाएंगी ना? पता नहीं, मिट्टी लगाते रहेंगे ना ये वाली मिट्टी। हाँ ये मिट्टी देते रहो, कुछ नहीं होता, टूट जाएंगे, कोई नहीं और ले आएंगे चाचू से। उसको कहेंगे चाचू वो तो दो रेसिपियां बनाई टूट गई, फिर चाचू अभी अच्छी पक्की हुई देगा। ख्याल करना, आज 2 साल बाद हमें इतनी ज़्यादा कलेजी मिली है, तो वो फिर हमारी सारी नीचे आग में गिर जाए जब देगड़ी फट जाए। हाँ ध्यान करना। घी ऐड कर दिया क्या सब? ओ माशाल्लाह, अम्मी जान आ चुकी है। अम्मी जान बिस्तर शिस्तर लगे हुए, आओ बैठो, सुमो, रात गुजारो। क्यों सर्दी की वजह से जो है ना, अब पहले जो है ना इधर ठंडक ठंडक होती थी, क्योंकि कच्चा घर है ना, ये सर्दियों में ठंडा ज्यादा होता है, गर्मियों में भी ठंडा होता है। हाँ, गर्मियों में जब ऐसे हम सिस्टम लगाएंगे तकरीबन सब यहाँ पर होंगे। हाँ, जी, बिल्कुल। हाँ अभी सर्दियाँ है ना, अभी हम अकेले ही काम कर रहे हैं। गर्मी में यहाँ पे बड़ी हवा चलनी है। हाँ जी, बड़ा ही सिस्टम बेहतरीन होना है। किड्डे वे नहीं पी अंदर है नी, किड्डे दरवाजा बंद कर देती, अल्लाह खैर करे। लक्कड़ तो नहीं गोला नहीं है नी, कल सूमी लक्कड़ उठाने आई हो? वाह जी वाह, वाह जी वाह, सही है, मुझे की गलती है, सही बात है ना। हाँ ये पहले घी में फ्राई करोगी सुबह? जी जी। अच्छा, डाल दो डाल दो, और भी डाल दो, सारी डाल दो, आ जाएगी। जब ये डालोगे ना घी भी ऊपर आ जाएगा कुछ। अच्छा? हाँ, जैसे पानी में कुछ डालो पानी ऊपर नहीं आ जाता, घी भी आधी पहले फ्राई करो फिर आधी करो, सारी हो जाएगी। वो देखो वो घी ऊपर आ गया बस। आप पता नहीं कैसे मुझसे पूछ लिया करो ना सबा, जिसकी जिसकी समझ नहीं लगती ना मुझसे, ये टाइम ना ज्यादा वेस्ट हो जाता। पहले आधी फ्राई करती फिर आधी करती, टाइम नहीं लग जाता। अच्छा मैं ना ये देगड़ी जो है ना, ये सालन और देगड़ी ये चाट रहा हूँ, सारी मुकम्मल तरीके से मैं इसको चाट लेता हूँ रोटी के साथ। ठीक हो गया? ठीक है, चाट लो और मैं भी आपको साथ देती हूँ, आ जाओ। अच्छा दाल आप भी खा रहे हो? हाँ अब भी टेस्टी लग रही है, क्योंकि अभी भूख लगी हुई है ना। बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत जबरदस्त बनी हुई है, चोट ना लगती ना फिर सही बताता। माशाल्लाह अम्मी जान ने जी, आज अम्मी जान ने माशाल्लाह किचन संभाल लिया, आज तो खाना बड़ा टेस्टी बनने वाला है जी। माशाल्लाह अम्मी जान जो है ना, कुन्नी शुन्नी को हाथ भी लगा रही है और उसके बाद उसमें मंधड़ा भी लगा रही है। तो कलेजी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सर्दियां बहुत थी, मैंने कहा अम्मी जान आप इधर बैठी रहें, बाकी जो चीज़ ऐड करनी होगी कुछ बनाना होगा हम करते रहेंगे, सिर्फ आप आग पे बैठी रहें ताकि आपको सर्दी ना लगे। हाँ जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, कोई हाँ आपके हाथ लग रहे हैं ना इतना ही काफ़ी है, खाने में टेस्ट आ जाएगा। हाँ जी, और इधर जो है ना सबा ने आटा गूंदना शुरू कर दिया है, कमाल मोहब्बता जी। आज तो सारा काम फास्ट फास्ट किया जा रहा है, खैर है आज जल्दी छुट्टी लेनी है क्या? हाँ अच्छा कोशिश जा रही है कि उससे पहले जो है ना हम इस घर से अलाफे, क्योंकि आज सर्दी ज्यादा है ना। नहीं इंशाल्लाह 1 घंटे 1.5 घंटे तक फ्री हो जाएंगे, 1.5 घंटे तक। वो मैं आटा गूंथ लूं उसके बाद देखना फिर। हाँ उसके बाद आप खुद तेजी पकड़ जाओगी। नहीं सालन की बुनाई कर लेंगे,
करनी है, बुनाई करके फिर रोटी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मुंशी को भेजते हैं दूध ले आएगा। हाँ। फिर मैं रोटी उतार के जब तक हम रोटी खाएंगे चाय चढ़ा देंगे, चाय तैयार फिर लेके चले जाएंगे। सही। हाँ। हो गया जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, कलेजी हमारी बॉयल हो चुकी है। उसके बाद जो है ना, अभी हम इस घी में डाल रहे हैं जी मसाला। ये हमारा कलेजी वाला घी है जी। क्या ये सही होगा सबा? क्या होगा इसको? नहीं, वो कलेजी का खून नहीं निकलता होता? कुछ नहीं निकलता। इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, फिर कलेजी ऐड करके फिर इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे, सेट हो जाएगा बस। हाँ ये भी है, क्योंकि खून जो है ना, चाहे जो चीज भी हो, घी जो है ना, घी हर चीज को खत्म कर देता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे पास घी भी यही था, फिर कहाँ से लाता है? अच्छा, घी फिर खत्म हो गया रात वाली थैली? मेरी तो मेरी तो धाड़ वो तारे को धार वो जालमो साकू चोर, वो कहते चोर होता है ना, चोरी करता है उसका। ये हमारे घर में अपने डाके डाल रहे हैं, घी के डाके डाल रहे हैं। हाय वह मिला ला, परसों वाले दिन थैली खोली, कल खत्म हुई, कल थैली खोली, आज खत्म हुई जी। लेकिन क्या सबा पीती थोड़ी है घी, वो भी आकर रोटे शोटे लगाती है, सालन बनाती है, इस वजह से ना घी खत्म हो जाता है। ये घी क्योंकि ऐसी थोड़ी चीज है कि बंदा खा ले उसको या पी ले, ऐसे नहीं होता। सब्बा का भी इसमें कोई कसूर नहीं, ना ही घी का कसूर है। ये खाना वगैरह बनाते हैं ना, सारा कसूर यही है। ऐसे ना अम्मी जान? अम्मी जान ने मेरी बातें, अम्मी जान ने मेरी बातों को सुना नहीं है। हाँ मुंशी, मैंने आपको बुलाया है। हाँ दूध ले आओ टाइम से, फिर दूध खत्म ना आ जाए। हाँ, और सब्बा कह रही थी कि यहाँ का जो दूध होता है ना, जो हम 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कह रही थी वो कह रही थी कल सब्बा दूध लेके आई अपनी अम्मी अब्बू के घर, उनके घर के पास है दुकान दूध की, तो कल से जो है ना सब्बा ले आई उधर से दूध। अब मुझे कह रही है कि अहमद यहाँ का दूध बिल्कुल सही नहीं है। कल जो अब्बू के घर के साथ वाली दुकान है ना, आज भी मुंशी को भेजो, वो मेरे अब्बू के घर के साथ वाली दुकान से ले, वो खीर अच्छा है, ये जो 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं ये खीर सही नहीं है। तो मुझे इतनी हंसी आई, अम्मी जान भी हंस रही थी, सब हंस रहे थे माशाल्लाह, कि यार कल तो लिया है, दूध तो दूध होता है ना। कहती वो मजे का दूध है भाई, ये भी तो जानवर का दूध है, ये कौन सा हमें जो है 15 साल से गधे का दूध पिला रहे हैं ये भी तो आखिर कहीं गाय का, भैंस का, बकरी का, इस तरह का दूध होता है ना जी। तो आप ऐसा करो, आप दूध जो है ना, सब्बा के जो अब्बू और अम्मी का घर है ना, उसके साथ दूध वाली दुकान है, वहां पे मजे का मिलता है। तो दिमाग ना शार्ट कर, तो आप ना वहां से ले आना, कोशिश करना। हाँ वहां से ले आना। हाँ ओके जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा मिसाला जो है ना वो रेडी होने वाला है। उसके बाद कलेजी रखी हुई है, इंशाल्लाह जैसे रेडी होगा कलेजी डाल के ना, थोड़ा सा हल्का सा उबाला दे के हम जो है ना इसको फिर नीचे उतार लेंगे। बल्कि अभी हेलो सब्बा, मिसाले में मिर्चें डाली हैं? मिसाले में मिर्चें नहीं डालो ना, मिसाला रेडी है, डालो मिर्चें, डालो नमक, डालो कोई चीज की जरूरत हो तो पूछ लिया करो मुझसे। हाँ देर ऐसी कबाल दी गाल है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अभी जो है ना इंशाल्लाह ताला कोई टाइम नहीं लगना, इंशाल्लाह पकने वाली, बस आप रवाना हो, जल्दी से रवाना हो जाए, जल्दी से आ जाए, बस मैं आपका हिस्सा जरूर रखूंगा। हमारे पास जो ये प्याज का रेट है ना, ये हल्के फुलके से ये प्याज पड़े हुए हैं, ठीक है, इसका रेट है 240 रुपए का 1 किलो। आपके यहाँ क्या रेट है जरूर बताइएगा। लगता है कुछ ढूंढने जा रही है, अड़िया कुछ चौकी तो चाह रहे सबको। सबा जो है ना, वो जो नीचे चौकी रखते हैं ना, वो उधर, क्योंकि वो अम्मी जान बैठी हुई है ना, तो सबा जो है ना अलहदा चौकी ले रही है, उस पे जो है ना वो बैठ जाएगी सबा, वहां से जो है ना अम्मी जान ले रही है, आप बैठे उधर से हम और मंगवा रहे हैं, आप टेंशन ना लो, आपकी सीट पक्की है। अच्छा भाइयों दिन की सही नहीं है ये, देखो ये न्यू लेके आया यही वाली, ये सही नहीं है क्या? नहीं है सही। अच्छा हमारे वाली तो अच्छी है ना,
हसन बैठ गया। हसन अच्छा जबरदस्त बेहतरीन मिसाला जी, लाजवाब मिसाला माशाल्लाह। मिर्च मिसाला तो डालो इसमें, गला हुआ सब कुछ, क्या हो गया आपको? तो थोड़ा और डालो ना, ये तो फीका है मिर्च। अच्छा अच्छा, फिर और ना डालना सबा, फिर मुझ पे इल्जाम आ जाएगा। जब रात को हर बंदा सूखेगा ना, फिर कहेंगे अहमद ने ज्यादा डलवाई थी। हाँ ख्याल करना। अच्छा कोई बात नहीं, दुकानें नहीं बंद हो गई, ले लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपको कैसी लग रही है कलेजी? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब हम इसका शोरबा बिल्कुल नहीं बनाएंगे, ये उतनी देर चढ़ी रहेगी आग पे जब तक इसका पानी नहीं सूखेगा। इवे नड़ी हसन को उठा लो सबा, चुप करवा लो। इधर ले आओ इसको, इधर चार पाई पे बैठो, इसको सुला दो यहाँ पे ना, सो जाएगा। अच्छा बच्चा है। नहीं नहीं, वो ऐसे कैसे भूल सकता है। वह यार हसन जानी को तो मैं सारा दिन तो उठाता हूँ, शहजादे को रात को भी चंगी खेल लगाता हूँ मैं इसके साथ। लगता है कलेजी रेडी हो गई। हाँ हो गई है। कैसे हो गई? जैसे होती है। अच्छा सच्ची है, मतलब वो कहते हैं ना अपनी तारीफ करना जो है ना वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजे की बनी हुई है। अच्छा माशाल्लाह, चेक कर लो। कर लेता हूँ जी चेक। अच्छा, ये हो ले ले चेक करना भी, ये का धूम हो से। अच्छा देखिए चैलेंज चेक कर लेते हैं। वैसे दुनिया में एक लेडीज है पूरी दुनिया में, तो वो कहती है कि सिर्फ मैं जो खाना बनाती हूँ ना वो सिर्फ अच्छा होता है, बाकी मतलब पूरी दुनिया जो भी खाना बनाती है ना वो लोग कह रहे हैं उनको कुछ भी नहीं आता। हाँ उनको कुछ भी नहीं आता, वो बहुत बड़ी कुकड़ है, कुकर है। हाँ तो खाना पकाते हुए ऐसा भी करती है, तो उसके आज जो है ना अभी मैं चेक कर लेता हूँ जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबा का बना हुआ खाना भी देख लेते हैं। वो माशाल्लाह माशाल्लाह, सबा उसकी जरूरत नहीं है, वो ऐसा बनाया, बनाया तो बहुत टेस्टी बनाया, बहुत टेस्टी बनाया है। बनाया खाया तो था। लेकिन वो तो कहती है मैं पूरी दुनिया में मैं ही सिर्फ कुकड़ हूँ और कोई नहीं है। तो आप ही बड़ी कुकड़ हो जी। हमने जो खाना बनाया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी जबरदस्त है, तो माशाल्लाह से अभी जो है ना वैसे उम्मीद नहीं थी मुझे, आपने दिल बड़ा कर दिया यार, इतनी टेस्टी बना हुआ। अभी धनिया थोड़ा और होता ना ज्यादा, यही था मैंने डाल दिया सारा। बहुत नाइस बनी हुई आप, गरम गरम रोटी। हाँ अभी तो अदरक लहसुन भी नहीं डाला था। अच्छा फिर भी इतना टेस्ट आ रहा है। वो यार अदरक लहसुन और डालते हैं, हम नहीं डालते। फिर पता है क्या होगा, फिर कहेंगे नक्कल मारते हैं ये, अदरक लहसुन हम भी डालते हैं ये भी डालते हैं। हाँ हमने किसी की नक्कल नहीं मारनी, अदरक लहसुन के बगैर हमने बनाया इतना टेस्टी खाना माशाल्लाह से। हाँ नहीं वो दूध इधर मेरे ख्याल खत्म हो गया था, वो ढूंढने गया उधर। वो आपने बताया नहीं था आपके अम्मी अब्बू के साथ जो दुकान है
वो उधर आपके सामने, तो उसको कहा है मैंने, कहा उससे लेके आना, इधर वाला सही नहीं है जो 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी आपका भांजा है, वहां पे क्या होगा। अच्छा हाँ। सही हो गया जी, आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ। बैठ जाऊँ? हाँ। यार बैठ के क्या करूंगा मैं, हवा लगवा लेना। हवा किस चीज की? ये आग की। अच्छा सही है, समझ लो कि गर्म हवा, हीटर की हवा। सही हो गया। आप पता है क्या करो, आप ना जल्दी से ये रोटी तैयार करो, जैसे रोटी तैयार हो रोटी और सालन उठाओ, उधर घर जाके ना तसल्ली से सब खाएंगे, ठीक हो गया। इधर से सारी चीजें क्लोज करें क्योंकि ठंड आज बहुत है ना, तो हमें चलना चाहिए फौरी। अच्छा नहीं ठीक है, बेशक काली है, अब किसी प्लेट में भी आप रख सकती हो, ये जैसे प्लेटें पड़ी हुई है प्लेट में रख दो बस। ये क्या बात हुई यार, आपको बताया भी है कोई इस चीज की सम्मान ना है ना, तो मुझसे पूछ लिया करो। और आज जो फिर से धुंध हो रही है ना, ये सब आपके सामने है, कितनी ज्यादा जो है ना वो धुंध हो रही है। नहीं निकला, बिल्कुल सूरज जो है वो निकला ही नहीं है। माशाल्लाह जबरदस्त, थैंक यू। पहली रोटी जो है ना डाली है जी आपकी दुआओं से। अच्छा। बहुत जबरदस्त बन रही है, बिल्कुल। और ये हमारी मेरे ख्याल में थोबी भी गर्म थी, फुल गर्म। क्योंकि कब से चढ़ाई हुई है ना, ये देखो। अच्छा इस पे रोटी मजे की बनती है, एक तो रेड रेड से फूल बन जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा फिर जो है ना जलती नहीं है। अच्छा फिर बड़ी टेस्टी बनती है। अच्छा जी अभी जो है ना हम सारी चीज़ें क्लोज करना शुरू कर रहे हैं जी, क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर ख़राब हो चुका है, ऐसे लगता है कि अभी जो है ना वो बारिश आने वाली है। तो मुंशी को मैंने कहा सारी चीज़ें क्लोज़ कर दो, तो ऐसे डाल ही जाओ बस, सीधा नहीं करना यार बस ऐसे। अब इनके ऊपर ना ये जो सारी खड़ियाँ ना उतार के ऐसे बीज में रख दो, बस वेड़ लो, वो वाली भी उतार लो, वो वाली भी उतार लो। वो भी अपनी हमसाय की नहीं है वैसे तो, ये सारी चीज़ें हैं तो ये हमसायों की। यार वो तकिए जो है ना ये मुखलिस भाई वालों के हैं, वो उनको भी देने हैं। वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी हाँ, वो वाले गिंदे उठा लो बस। गिंदे भी उनकी है। हाँ हाँ भाई चले नमाज पे, चले मुंशी ये गिंदे से रख के ना फिर नमाज पे चलते हैं, उसके बाद वापसी पे काम करते हैं। हाँ क्योंकि नमाज मगरिब का जो है ना वो अभी टाइम हो गया है, भाई वजू बना के आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो असर वाली नमाज पढ़े थी, वजू है। अल्लाह पढ़ो अल्लाह पढ़ो, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको अभी पता नहीं है ना, जैसे जैसे देखता है फिर थोड़ा थोड़ा सीखता है, पहले उसने सही सजदा दिया है फिर बाद में अभी ऐसे कर गया, पहले ऐसे सजदा दे रहा था दूसरी ऐसे। माशाल्लाह जी रोटियां जो है ना वो 9-10 रोटियां पक चुकी हैं, सबको मैंने कहा दो और पका लो बस और फिर बस कर दो, वो कहते हैं नहीं ये मैंने सारा आटा जो है ना ये खत्म करना है। एक रोटी का बनता है फिर ये कैसे इसको बेचारे को वो करती हो, तो इधर ये फिर ऐसे तो करती हो ना, फिर ये रोटियां देखो, ये जो आपने दोपहर को बनाई थी ना ये बची हुई है, ये तो फिर जाये हो गई ना, ये चीज होती है ना जाये ना हो, मैं ये कहता हूँ। अब क्या करो ना बनाऊं, एक पेड़ा रोटी का एक पेड़ा रख दो सुबह, आप एक पेड़ा बना के पका लेना बस, जरूरी पकाना है क्या? या असल में मसला पता है क्या है, हम खड़े सर्दी में हम कहते हैं जल्दी से खाना खाएं और बस सो जाए,
ये जो बैठी है ना, ये बैठी है आग पे, ये कहती है मैं सारी रात पकाती रहूं, मुझे इसको क्या टेंशन है, इसको तो सर्दी लग नहीं रही। हमने सोचने अपना और ये छोटे छोटे बच्चों का जो सर्दी में बैठे हुए हैं। आप रोटी लेके जाके खा के सो जाओ, बस मैं पकाती रहूंगी। जब ऐसे हो नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। एक जगह पे दस्तरखान लगेगा और सालन डाल के दोगी, पानी भर के दोगी, होटल वाधल करोगी। आप कहती हो मैं रोटी बनाती रहूं, उधर फिर ये सारा काम शाम खुद करे, मैं बच जाऊंगी। ऐसे नहीं होता। और बच्चों को कैसे सुलाऊंगा मैं, वो तो आपके साथ सोते हैं। तो आपको किसने कहा बच्चे सुला? तो साहब जरा बच्चे, अब देखो जूती उसके पैरों में नहीं है, वो बैठा हुआ है। वो जूती रखिए, वो पहन ले। वो नहीं पहनता। मैं क्या करूं बताओ? वो उसको नींद आई हुई है, इस टाइम आपको पता है वो सो जाता है। सारा काम एक दूसरे नंबर पे, आप जब साथ होगी ना, सारा एक दस्तरखान लगेगा, उसमें फिर अल्लाह पाक बरकत डाल देता है, जब सारे जो है ना घर के अफराद एक साथ खाना खा रहे हो। और समझ आई है या मजीद समझावा? आ गई है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कलेजी हमने इतनी मेहनत से बनाई, और ये देखो मुंशी लेके जा रहा है। अब हम यहाँ पे पता नहीं, ओ देखो ओ गया, ओ भाग गया। हूँ ऐसा क्या खाओ सुबह बेबो? बेबो वो तो मुंशी ले गया, अब हम क्या खाएंगे? नवे घर खाएंगे। हाँ। अच्छा वो उधर लेके गया है। कितने सियाने हो गए हो सोने। हाँ भाग गए जुलो, चलो आ जाओ। अब ये आग जो जा रही है, इसको ऐसे रहने दो, कोई लक्कड़ दो, मैं ना तवा उतार दूँ, ये ऐसे सड़ता रहेगा फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो है हम अपने न्यू घर में पहुंच चुके हैं जी, और बेबो जाने भी पहुंच चुका है, और जो हमारा सालन है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अभी यहाँ पे जो है ना हम कुछ बिछा के ना खाना जो है ना स्टार्ट करेंगे। दूध भी ले आए हूँ चाय के लिए, वो यहाँ पे खड़ा कर दिया जी, क्योंकि बाहर खड़ा करूँ ना तो माशाल्लाह बिल्ली का काम हो जाता है बेहतरीन। वो राज्यपाल के जो है ना सारी रात दुआएं देती रहती है कि यार सब अहमद वालों के घर से मुझे 2 किलो दूध मिल गया। लिल्ला जी दस्तरखान जो है ना वो लग चुका है, और इधर जो है ना हम इंशाल्लाह सब इकट्ठे मिल बैठ के, अम्मी अबू मैं मामू मुंशी सब बैठ के ना इंशाल्लाह खाते हैं। चलो जी सबा जी डालो कटोरियों में सालन। बेबो आप इधर से आ जाओ बेटा, इस साइड पे आ जाओ। उधर बैठ के क्या करोगे, उधर तो सालन और रोटी रखती है ना। वो बच्चे जो है ना वो पागल होते हैं जो इसके ऊपर बैठते हैं। ये तो चीजें रखने के लिए होता है ना, बैठने के लिए तो ये जगह होती है। सोड़े माशाल्लाह जी, माल तैयार है जी, आज माल तैयार है, काफी अरसे के बाद माल तैयार है। सबा माल तैयार है। तो जी प्यारे बहन भाई अभी आ गए हैं जी कमरे के अंदर, और अभी जो है ना कर रहे हैं जी सोने की तैयारी। तो आप सब भी अपना सुकून करें, मौज करें। आप सब ने पूरी वीडियो देखी है, आपका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया, और आप भी बिल्कुल हैप्पी हुए हैं, हम भी हैप्पी हुए हैं। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और दुआ कीजिए सब बहन भाई के धूप जो है ना वो निकल आए, सूरज निकल आए, हर कोई हर किसी के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद, बाय बाय जी।